दोस्तों हम लोग इधर पहुंच चुके हैं। दोस्तों हम लोग को ना बहुत सारा माइनिंग करना है, क्योंकि ना दोस्तों वो आगे दिखाते हैं। और दोस्तों देखो इतना सारा मतलब बार बार बीच में लावा आ रहा था ना दोस्तों, और लावा को मतलब मेरा स्थिति जो है ना इधर किनारे पानी लगा के उसको कोबल स्टोन बना दिया है दोस्तों, और कुछ नहीं। ऑब्सिडियन अरे हाँ, क्या मैं बोलूँ आप, कोबल स्टोन दोस्तों। कोबल स्टोन तो इतना आसानी से मिल जाता है, यानी कि ऑब्सीडियन बना दिया था। और दोस्तों यही हमारा एरिया है। माइनिंग करो। अरे डायमंड मिल गया यार, डायमंड मिल कहाँ गया। डायमंड? तुम ले लो डायमंड का। दोस्तों हम लोग को ना यही बोलो कम से कम दस टेक 38 स्टेक करना है, यानी कि मेरे मुंह से गलती से निकल गए दोस्तों, 10 स्टेक करना है। तो उसके बाद हम लोग मिलते हैं दोस्तों। अरे स्थिति आराम से करना माइनिंग। 6 डायमंड था। ओके आवाज ना करते भी। दोस्तों हम लोग इसमें चेस्ट लगा लिए, और दोस्तों देखो इतना लकड़ी मतलब इतना वो लाया हो दोस्तों माइनिंग करके वो लोग। और ना दोस्तों, और इसने भी रखा था शायद, हाँ इतना रखा हो। और दोस्तों फर्नेस में इतना खाना पका रहा हूँ, और इतना मतलब 64 स्टेक आ गया है दोस्तों खाना। और दोस्तों देखो हम क्या बनाने वाले हैं ये ब्लॉक से। हम ना दोस्तों हम फिर से जा रहे हैं माइनिंग करने, क्योंकि ब्लॉक और चाहिए दोस्तों। हम लोग इतना बना चुके हैं, बीच में अब डट उसका नाम क्या है जो जमीन पे लगाते हैं, हाँ डट, मैं भूल गया था क्यों। इसमें डट लगाएंगे ना किसको दोस्त? इसे रहने हैं तो नहीं, डट लगाएंगे तो और अच्छा दिखेगा। लगाओ डट। लगा ओके डट। चलो लगाते हैं डट। दोस्तों हम लोग को इसमें ना पूरा डट भरना है दोस्तों, उसके बाद हम मिलते हैं ना। 3-3 यस। दोस्तों मेरा ये शवल बहुत खतरनाक वो हो गया था, उसको क्या बोलते हैं, टूट गया था। हाँ, याद आ गया दोस्तों, टूट गया था। तो स्थिति ने सही कर दिया दोस्तों, अभी रिपेयर करके डायरेक्ट डायमंड का शवल न्यू लगा दिया है। और दोस्तों हम इसमें ना उसको क्या बोलते हैं, हुई बोलते हैं ना। हाँ हो हुई हुई ना दोस्तों, मतलब बना के अभी दिखाएंगे दोस्तों। स्थिति मुझे डायमंड दे दोगे? अरे तुम्हारे पास डायमंड, मेरे पास नहीं है। ओके ओके दोस्तों डायमंड ना हम डायमंड का हुई बनाएंगे। चलो दिखाते हैं। दोस्तों बहुत टाइम लग रहा है ये जाने के लिए, क्योंकि ना दोस्तों मेरा घर ही इतना बड़ा है जरूर से दोस्तों। जल्दी इधर आओ। और ये ले लिया। तो और क्या चाहिए? और स्टिक चाहिए ना। हाँ, अभी स्टिक कहाँ है? यस, थोड़ा इन्वेंटरी तो भी चाहिए, यानी कि जगह। अबे जल्दी, हुई कहाँ है? इधर S3। यस तुम इसको उसको क्या बोलते हैं, इंचांटमेंट कर दोगे किसमें? ये हुई में कुछ भी आ हुई जाए बस। हाँ तुम्हारे पास कितना SP है? 8 है। 8। यस ओके जरूर से किसी से अरे इतना पूछ जाओ। लैग क्यों हो रहा है? ओके ठीक है कर देता हूँ। कितना है? सिर्फ एक ही हुई है क्या? हाँ एक ही हुई है। अच्छा उससे मैं ये करूँगा। लेपस लेदुली इधर होना चाहिए। ए, नहीं रखा था क्या? यहाँ रखा हुआ लगता है। चलो देखते हैं कि अनब्रेकिंग सही है। अरे फिर भी रुको, वो तो लाना पड़ेगा। क्या लेपस लाजूली है क्या? हाँ अच्छा चलो हो गया, अब मुझे लाओ। एक बढ़ाओ। अरे मैं कुछ काम नहीं करूँ क्या? बीच में नहीं, इधर किनारे बनाओ वो जो बनाने जा रहे हो। दोस्तों हम लोग ये इतना कर लिए, और दोस्तों देखो ये हम लगाने वाले हैं कैरेट, यानी कि दोस्तों गाजर। और इसे दोस्तों देखो हम मतलब कि ज़्यादा कैसे होता है दोस्तों, ये भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो लगा ये पूरा लगा देते हैं दोस्तों, और इसके बाद मैं बताता हूँ। दोस्तों मैं ये पूरा लगा लिया हूँ जो 2 स्टिक था। और ना दोस्तों ये बोन मील,
मैं ना दोस्तों ये हड्डी से बोन भी बनाया हूँ। और ऐसे करके ना दोस्तों देखो, ऐसे करके हम प्रजाति बढ़ाएंगे ये खेत का। और ऐसे कर उसके बाद फॉर्चून 3 से देखो, 1 2 3 मैं बस 3 तोड़ा, 19 मिल गए दोस्तों। और 4, अरे 26 27। और ऐसे करके ना दोस्तों पूरा प्रजाति बढ़ाएंगे, मतलब पूरा यहाँ तक कंप्लीट करेंगे दोस्तों, खेत ना पूरे ही भरेंगे। उसके बाद मिलते हैं दोस्तों ऐसे ही कर। दोस्तों मैं पूरा भर दिया हूँ, और ना दोस्तों एक ही बार में पूरा भर दिया जितना मेरे पास था सामान, मतलब ये कैरेट देखो दोस्तों इतना सारा भी बचा है। अब इसको ना दोस्तों हम चेस्ट के अंदर रख देंगे। तो उसके बाद ना दोस्तों ऊपर का दूसरा खेत बनाएंगे, जो रहेगा आलू वाला खेत। आलू यानी कि आलू को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पोटैटो। अच्छा दोस्तों पोटैटो नाम इसका, अजीब बहुत नाम है सही में, अजीब अजीब। तो दोस्तों इसको हम अंदर रख देते हैं, यानी कि चेस्ट के अंदर। दोस्तों आप लोग को थोड़ा भी मज़ा आ रहा होगा तो लाइक कर देना, क्योंकि दोस्तों ऐसे बनाने में ना बहुत टाइम लगता है। दोस्तों मैं इस स्थिति के घर में बताओ क्यों आया। ये देखो दोस्तों, ये 2 बकेट लावा और चल ना। और ना दोस्तों इससे हम मैं बताता हूँ क्या करेंगे। हाँ दोस्तों इसे ना हम बहुत अच्छा सामान कर सकते हैं। अभी देखो ना, चलना बेटे जल्दी, बहुत टाइम लगा रहा है। आ गए दोस्तों देखो, इतना 44 आयरन है ना दोस्तों, एक बकेट इसमें रखता हूँ। अरे बकेट निकाल लो, निकाल लो। ओके दोस्त देखो, एक लाव बकेट से ना पूरा एक स्टेक पक सकता है, यानी कि ये देखो। ये आइडिया ना दोस्तों एस थिएटर ने बताया था। अभी क्यों लेग हो रहा है दोस्तों? वो कोल पक जाएगा ना, तो उसके बाद मैं बाद में दिखाऊंगा, एक स्टेक पूरा पक जाएगा। और जो ये बकेट लिया हूँ ना दोस्तों, ये स्थिति के घर में रख देता हूँ। अबे चलना, बहुत टाइम लगता है दिखाने में, क्यों रुक जाता है? जब देखो जब रुक जाता है ये। चलो घर में आ गया हूँ और इधर रख देता हूँ। अरे ये तो पूरे एक में मिल गया बकेट। चलो कोई नहीं, बकेट खाली था इसलिए एक ही में मिल गया। हाँ मेरे पास में ना एक क्रीपर फटा, एक HP भी मेरा नहीं गया। ओके तो गेम लेग नहीं कर रहा था। अभी गेम लेग करता रहा तो मेरा 20-30 मर चुका होता दोस्तों। ये गड़बड़ हो गया, मुझे ये पोटैटो लाना था, पोटैटो नाम इसका। ओके दोस्तों ये पोटैटो लाना था मुझे, लेकिन मैं ही भूल गया। चलो कोई नहीं, फिर से जाते हैं। तो है okay. तुम बोल रहे हो जैसे कि 2-3 हजार लोग जाकर लेके आना है। ओके okay. लेकिन मैं इधर घर में आया था, फिर से भूल गया था, तब भी ऐसा बोला। दोस्तों आप लोग को अच्छा लग रहा होगा तो लाइक कर देना। दोस्तों देखो इतना सारा है पोटैटो नाम इसका। चलो अब इसको ना दोस्तों उधर जमाएंगे वो खेत में, जैसे कि 1 2 पहले वाले पे तो वीट है, दूसरे पे तो गाजर है, तीसरे पे जमाएंगे दोस्तों। चलो चलो जल्दी। यस गाजर पे आ गए। और हाँ दोस्तों इधर ऐसे जमाएंगे, और ना दोस्तों इसको भी ऐसे ही करेंगे, थोड़ा बोन मिल लगा के इसको मतलब बोन मिल लगा के पक जाएगा तो इसे तोड़ेंगे दोस्तों। और ऐसे करके पूरा ही करेंगे इसमें, यानी कि इसे जमाएंगे ये सब, मतलब बहुत टाइम लग जाएगा ना दोस्तों, इसलिए थोड़ा ही लगा के बाद में दिखा दूंगा पूरा लगा के कि कितना मिलता है। पांच लाओ बकेट ले आए दोस्तों। नंबर 2 का हूँ कुकुरवा दोस्तों, और मेरा HP 21 था, मैंने 1 बचा दिया, यानी कि 1 करके HP अली मेरा ले आया। आज तक के बहुत ट्रेनिंग किया था ना मैं, भाई ना 51 या फिर ऐसा कुछ 56 था, वो याद नहीं कितना था, मैं भी मर गया था। बोलो मैं तो तुमसे बहुत ज़्यादा, तो भी इतना गंदा दिमाग खराब हुआ था तो भी खुद को शांत करना पड़ा था।
दोस्तों मैं कैसे भी 5 लावा का बकेट ले आया था और आपने देखा भी दोस्तों। और दोस्तों मैं आपको बताया था ना आप लोगों को कि एक लावा बकेट से 64 आयरन स्मेल्ट हो सकता है। हाँ दोस्तों ये देखो, अरे बेइज्जती क्यों कराता है, एक बाकी है। यस एकदम टाइमिंग पे दोस्तों, ये एस3 ये तो और स्मेल्टिंग हो सकता है सामान। हाँ इसको ले लूँ क्या, ले लिया मैं 4 HP। दोस्तों एचपी को जाने दो बाहर में और कुछ नहीं। और दोस्तों आप लोग को कैसे लगा ये वीडियो जरूर बताना और आगे समय पे हम खेत बनाते रहें। हेलो दोस्तों स्वागत है आप लोगों का इस वीडियो में। दोस्तों एक बात बताऊँ, मेरा खेत बन गया है दोस्तों। हाँ दोस्तों मेरा खेत बन गया और ना दोस्तों S33 और 06 दोनों बहुत मेहनत करे और S3 तो वो ज़्यादा ही मेहनत किया था दोस्तों। चलो मैं दिखा देता हूँ, अरे सही हो गया। यस दोस्तों देखो ये खेत कैसे दिख रहा है, इधर से बहुत बढ़िया दिख रहा है दोस्तों। और ना दोस्तों बहुत मेहनत लगा इसको बनाने में, ये देखो इधर से ऐसे और पूरा वीट का है, बहुत आगे तक है ये देखो। अरे देखना जल्दी, यस देखो दोस्तों अगर तोड़ेंगे ना कम से कम बहुत ही ज़्यादा स्टेक, मतलब बहुत ही ज़्यादा 64 भर जाएगा, कम से कम 10-20 स्टेक तो उससे भी आ जाएगा ज़्यादा। और दोस्तों ये देखो, ए हाँ ये बात तो बताना भूल गए दोस्तों, ये कैरेट यानी ना गाजर, ये देखो कितना सारा, जैसा नीचे है ना ऐसा ऊपर भी बनाया वो, मतलब बनाया हम लोग 3 जन दोस्तों। और ऊपर चलो, और ये आलू का दोस्तों यानी कि पोटैटो, ये देखो दोस्तों ये भी, और इसको भी ना दोस्तों ये अगर फॉर्चून 3 से मतलब ये इसको तोड़ेंगे ना बहुत ही ज़्यादा मिलता है, तो उसके मदद से हम लोग जमाए। शुरू में दिखाया होगा मैं दोस्तों, मतलब मैं दिखाया था। और दोस्तों ये देखो ये सलगम यानी कि इसको कुछ तो बोलते हैं, चलो चेक कर लेते हैं क्या बोलते हैं इसको, हाँ बीट रूट। और दो यस दोस्तों इसको ना बीट रूट बोलते हैं। और ये भी ना मतलब बहुत ही ज़्यादा जमा है हम लोग, इसको तो और ज़्यादा टाइम लग गया था जमने के लिए। और ऊपर कुछ नहीं है दोस्तों, ऊपर बस ऐसे ही हम लोग करें, यही सब बनाए दोस्तों। बहुत मतलब ये सब बनाने के लिए ना दोस्तों बहुत ज़्यादा ही टाइम लग गया था सही में। अब चलो नीचे कूदते हैं, अरे एक बार ऐसे दिखा दूँ, हाँ यस वाओ देखो दोस्तों इतना डेंजर दिख रहा है, ये देखो दोस्तों। तो दोस्तों ऐसे ही हम लोग मिलते रहेंगे और दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में आप लोग बताना कि हम क्या बनाए। दोस्तों मैं सोचता हूँ कि अगले वीडियो में हम लोग जाए, उसका नाम क्या है वो घोड़ा ढूंढने, तो उसको उस पर अगर हम बैठेंगे ना तो इस मतलब किधर भी ट्रैवल करने के लिए आसान रहेगा दोस्तों, ये बोलना चाहता हूँ। चलो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में घोड़ा ढूंढने जाएंगे, उसको टेम करेंगे।